प्लीज अभी बोलने तो इसे जो बोलना है, ये मुझे झूठा कह रही है ना, तो अब इसका सच भी सुन लेते। बोलो प्रिया, बोलो तुम्हें क्या बोलना है? बोल दो कि तुमने मेरा एक्सीडेंट नहीं करवाया, बोल दो कि तुम थी नहीं, बोल दो कि तुम्हें किसी ने बांध के रखा था, बोल दो कि मैंने तुम्हें किडनैप करवाया था, या ये बोल दो कि तुम मेरा एक्सीडेंट नहीं, मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना चाहती थी, बोल दो कि मेरे बच्चे की जिम्मेदार मैं खुद हूं, उसकी मौत की जिम्मेदार। एक मार गई, एक बच्चा हार गया, बोल दो तुम्हें जो बोलना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारे झूठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सच मेरा बच्चा था। तुम्हारे आगे मैं हार गई। तुम्हें तुम्हें मुझे अभी की जिंदगी से निकालना है ना, निकाल दो, इस घर से निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो बोलना है बोल दो। मैं बोलूंगी तनु, और सच बोलूंगी। अब तक चुप थी क्योंकि मुझे लगा इस बच्चे की मौत का सदमा लगा होगा तुम्हें, लेकिन नहीं, तो उसकी मौत का भी इस्तेमाल कर अब भी झूठ बोल रही। तुम्हें पता होना चाहिए कि 8 महीने तक अगर तुमने उस बच्चे को अपने पेट में पाला है तो सिर्फ इसलिए कि तुम एक ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी। तुम्हें इरादों को पूरा करने के लिए तुमने उस बच्चे का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बच्चा तुम्हारे इन बुरे इरादों का बोझ नहीं सह पाए। तुम्हारे किए की सजा उस बच्चे ने भुगती है, और अभी तुम उनसे झूठ बोल रही। वो बच्चा जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से आज तक तुम इनसे झूठ बोलती आई हो। Stop it, Pragya! पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। निकल जाओ इस घर से, बांध दो अपना सामान और निकल जाओ। अभी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसे अकेला रहना, और तुम ही ने उसे अकेला किया है। पहले उसे मुझसे छीन के और फिर अपने बच्चे को। वो उनका बच्चा नहीं था। ऐसा तुम कह रही? अभी को तो यही पता है ना कि उसी का बच्चा था, जो कि अभी दुनिया में नहीं रहा, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अब तुम जाके उससे कितनी भी बात करो, उसे उल्टा तकलीफ ही पहुंचाओगी। देखो, अभी मुझसे प्यार करे ना करे, लेकिन अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो अगर तुम उससे जाके ये बात करोगी या कुछ कहोगी, तो उसे और ज्यादा तकलीफ पहुंचाओगी। उसे ये प्रूव करने की कोशिश करोगी कि बच्चा उसका नहीं है या तुमने कुछ नहीं किया, तो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलवाओगी, अपसेट करोगी। उसे कितना भी सच बताने की कोशिश करो बेटा, लेकिन अभी को सिर्फ एक ही सच पता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तुमने मेरे बच्चे को तो मार ही दिया, लेकिन अगर अभी के साथ रही तो उसे हर रोज मारूंगी। तो प्लीज उसे बख्श दो और चली जाओ इस घर से। जैसे तुम ही ने कहा था ना कि कभी कभी अपनों के लिए अपनों को छोड़ना पड़ता है, अब वो वक्त आ गया है प्रज्ञा, तुम्हें अभी के लिए अभी को छोड़ना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। उस बच्चे की मौत की वजह मैं नहीं हूँ, उस बच्चे की मौत की वजह तुम हो, इसलिए इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। इतनी बड़ी सेल्फिश हो ना तुम, खुद के लिए तुम अभी को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो। तुम्हें पता भी अभी क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे की ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाया। उसे मेरे साथ रहने दोगी, उसकी ड्यूटीज पूरी करने दोगी, तो वो थोड़ा हल्का फील करेगा, दुखी कम होगा वो। लेकिन नहीं, तुम तो ये भी नहीं होने दोगी, राइट? तुम्हारे साथ रहने से उनकी तकलीफ और बढ़ेगी, क्योंकि तुमने हमेशा उनसे सच छुपाया है कि बच्चा निखिल का था। जब उनको पता चलेगा कि ये बच्चा उनका था ही नहीं, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अपने हर दुख से बाहर निकल जाएंगे। ओह रियली? वैसे प्रज्ञा, अभी को ये सच बताएगा कौन? तुम? हाँ, मैं। प्रज्ञा, अगर तुम सोच रही हो कि तुम अभी से बात करोगे, उसे मनाओगे और वो मान जाएगा, तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शायद तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रही हूँ। पता नहीं प्रज्ञा ने अभी से बात की भी होगी कि नहीं, वहाँ पर भी यही बात चल रही होगी। तनु अपनी गलती इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसी बात पर बहस हो रही होगी। अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं प्रज्ञा के घर जा रही हूँ। वैसे भी अगर प्रज्ञा ने बात की होगी ना अभी से, तो आज मैं खुद अभी से बात करूंगी। अरे ऐसे होता है क्या? मैं अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ में नहीं दे सकती। वो अभी और तनु साथ में एक हो जाए और मेरी बच्ची अकेली रह जाए, मैं आज ही जाकर ना अभी को सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं अभी आती हूँ। अरे सरला रुक जा, तू भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगती। पीजी, इसमें बच्चों वाली क्या बात है? तुझे पता है जल्दी का काम शैतान का होता है। पीजी, इसमें जल्दबाजी की कौन सी बात है? पिछले 6 महीने से मुझे सारी सच्चाई पता है, वो तो प्रज्ञा ने कसम दे रखी थी ना, इसलिए चुप थी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रुकी। ओहो सरला, तू समझती क्यों नहीं, वो दोनों इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले, और खास करके अभी उसके दिल पे क्या पीत रही होगी। और प्रज्ञा अभी को हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती, उसको पता है उससे किस वक्त
कौन सी बात कर रही है और किस बात का असर होगा? अभी को किस बात की तकलीफ है आप बताओ? अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जिस बच्चे का वो इतना दुख मना रहा है वो बच्चा उसका है ही नहीं। तरुण के पेट में जो बच्चा था वो अभी का भी किसी और का है, उसे भी तो ये पता चलना चाहिए ना। अरे ये बात तो हमें पता है ना, अभी तो नहीं जानता कि वो बच्चा। देख करता अभी उस बच्चे के बारे में क्या सोचता है, उसके दिल पर कितना गहरा जख्म लगा है, इसका हमें ख्याल रखना होगा। और ऐसे वक्त किसी ने भी बच्चे के खिलाफ कुछ बोला तो वो उस पर यकीन नहीं करेगा। पीजी ठीक कह रही है, हमें थोड़ा इंतजार करना ही चाहिए। तू भी शुरू कर, तेरा तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी पीजी की साइड लेने लगती कभी मेरी साइड लेने लगती है। अरे इसमें साइड लेने की क्या बात है, दोनों पीजी आप नहीं। सरदा मैंने कह दिया तू नहीं जाएगी तो तू नहीं जाएगी, और अब अगर तू बाहर गई तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी, तेरी शक्ल नहीं देखूं। थोड़ा इंतजार करना। अब इतनी बड़ी कसम दे दी आपने तो कैसे जाऊंगी मैं? इंतजार कर लूंगी, 6 महीने इंतजार की है तो थोड़ा इंतजार और से। जानकी जा, जरा जाके खाना तो गर्म कर, कब की भूख लगी हुई है, इसको तो कुछ होश ही नहीं है मेरा। पीजी मैं कितनी परेशानी में थी ना कि आपको खाना देना ही भूल गई, आपने दवाइयां, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। तू रुक, मैं लेके आती हूँ। आप ही ना एकदम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, ये नहीं कि दवाई टाइम से ले लो, खाना खा लो। नहीं, इन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, मुझे मुझे उनके गुस्से के उतरने का वेट करना चाहिए, तभी उनसे बात करूंगी, तब वो मेरी बात सुनेंगे भी और मेरा यकीन भी करेंगे। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही हूँ कि जब आपका मन का काम पूरा नहीं हो पाता तो आप अपने मन को बहलाने लगते हैं। मेरा मतलब है, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि तुम अपने दिल को समझा लोगे, लेकिन अपने दिमाग को कैसे समझाओगी जो ये जानता है कि अभी इस वक्त गुस्से में नहीं है, तकलीफ में, पर उसकी ये तकलीफ कभी कम नहीं होगी। उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी जब मैं उन्हें सच बताऊंगी, तब तब मैं उनके साथ होंगी और वो तनु घर छोड़कर जा रही होगी। सच? लेकिन अभी तो सच सुनना ही नहीं चाहता। आज नहीं सुनना चाहती, लेकिन मैं उन्हें सच बताऊंगी। आज नहीं सुनेंगे तो कल नहीं सुनेंगे तो परसों, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें सच सुनना पड़ेगा। और जब तक बता नहीं देती तब तक उसे ऐसे ही तड़पाती रहोगी, हर रोज उसके सामने रहकर अपने बच्चे की याद दिलाती रहोगी, उसे एहसास दिलाती रहोगी, उसे लगे कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो आज उसका बच्चा जिंदा होता, और धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने लगे, फिर खुद को इतनी बड़ी सजा दे दे कि वो हमेशा के लिए हर तकलीफ से आजाद हो जाए। यही चाहती हो ना तुम? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें सच बताकर उनके हर दुख को दूर करना चाहती हूँ, उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहती हूँ। क्या तुम उसकी जान लेकर उसे एक नई जिंदगी देने की बात कर रही? मैं मानती हूँ कि वो एक झूठ का शिकार, लेकिन उसका दुख तो सच्चा है ना। उसे एक दुख से निकालने के लिए सैकड़ों दुखों के ऐसे दलदल में मत देख लो कि वो सांस भी ना ले सके। किसी को भी सच बताना बहुत जरूरी है, लेकिन सच बताने की कीमत इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। सच बताने की जिद उसे बर्दाश्त करने की हद से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये सब जानते हुए भी अगर तुम अभी के साथ रहना चाहती हो, then I'm afraid उसे पाने की जगह तुम कहीं उसे हमेशा के लिए खो ना दो। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? नहीं होने दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।